हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक पार्ट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बैक नेक डिज़ाइन के साथ। तो इस डिज़ाइन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को हमें अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को आप पहले सीधा कर लें कटिंग से पहले। इसके बाद आपको ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेनी है, जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ की उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्किंग किया है, 13.5 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है और डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं इसे बना रही हूँ। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच, आर्म होल्स लेने हैं हमें 4.25 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे हम यहाँ से 9 इंच और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। और डीप नेक में हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी होती है आर्म होल तरफ से, और बाहर वाली लाइन से ही आप आर्म होल की गोलाई इस तरीके से कर दें। इसके बाद हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच आप एक्स्ट्रा और लीजिएगा बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब हम इसे कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 36 साइज़ का बैक पार्ट कट किया है, उसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लिया है और यही साइज़ आप 37, 38, 39 और 40, 42 तक आप ले सकते हैं सेम मेज़रमेंट। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मैन फैब्रिक पर जो बॉर्डर है वो मैं अलग से कट कर लूँगी, बॉर्डर वाला पार्ट हम अलग से कट करके निकाल देंगे क्योंकि उसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपके ब्लाउज़ पीस में बॉर्डर नहीं होता है तो आप कंट्रास्ट फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और गले का मेज़रमेंट हम यहाँ पर लेंगे। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ इसमें 2.5 इंच, 2.5 इंच। अगर आप इसे कम साइज़ में बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2 इंच ही लीजिएगा। इसके बाद हमें नेक की लेंथ रखनी है 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ भी हमें 2.5 इंच, 2.5 से 2.75 इंच आप रख सकते हैं। और इस तरीके से एक तरफ से हमें यहाँ पर स्क्वायर ही रखना है नेक, और सेम मेज़रमेंट हम दूसरी तरफ भी ले लेंगे। नेक लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है। और इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। हमने यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स जैसा यहाँ पर बना लिया है, उसके बाद एक तरफ हमें इस तरीके से शेप देना है। शेप अगर एक बार में अच्छा नहीं आता है तो आप दोबारा से दीजिएगा, और थोड़ा सा आप इसे अगर फैलाना चाहें यहाँ पर तो इस तरीके से आप इसे डीप कर सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं। एक तरफ से हमारा जो नेक है वो इसी तरीके से रहेगा, एक तरफ हमें कोई भी शेप नहीं देना है, एक ही तरफ हम शेप देंगे। और इसमें आप इसे विदाउट पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो पेपर पेस्टिंग पर भी हम दोनों ही तरीके के यहाँ पर, जैसे हमने कपड़े के ऊपर पैटर्न ड्रॉ किया था दोनों तरफ, उसी तरीके से हम पेपर पेस्टिंग पर भी यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। नीचे से नेक विड्थ आप 2.5 से 2.75, 3 इंच तक आप रख सकते हैं। सेम मेज़रमेंट हमें यहाँ पर भी लेना है इसी तरीके से। अब इसे हम खोल कर एक तरफ से शेप दे देंगे इस तरीके से, हल्के हाथों से आपको ये शेप यहाँ पर दे देना है। ये देखिए इस तरीके से, अब हमें साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है नेक विड्थ का। तो पहले हम इसे बाहर से कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें नेक विड्थ कट कर लेनी है। ऊपर से जो हम 1/2 इंच छोड़कर कट करते हैं, इससे हमारे जो नेक की विड्थ है वो बिल्कुल बराबर रहती है, एकदम से फैलती नहीं है कट करने के बाद। तो आप भी इसी तरीके से कटिंग करें, 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे तो हमारा जो नेक है ऐसा ही रहेगा, फैलेगा नहीं। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा, आप अगर यहाँ पर शेप आपका बराबर नहीं आया है तो आप इस तरीके से इसे कट करके बराबर कर सकते हैं। अब हम इसे अस्तर वाला जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर हम इसे रख लेंगे, पिन लगा लेंगे यहाँ पर। नेक को भी हम साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हम साथ में जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका फैब्रिक सॉफ्ट होता है तो आप अच्छे से हाथ से फिनिशिंग कर दें ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए, और इस तरीके से आपको इसे साथ में जॉइंट कर लेना है।
ये देखिए इस तरीके से हम साथ में इसे जॉइंट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। साइड से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे। तो अच्छे से आप शोल्डर की तरफ से इसे बराबर करें और ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगा लें और चौक से हमें यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग देखिएगा इस तरीके से कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम नेक वाला पैटर्न लेंगे और उसे इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे एक तरफ। ये देखिए एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर मैंने इसे अस्तर के कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। आप अगर चाहें तो प्रेस से इसे चिपका भी सकते हैं। साइड से हाफ इंच कपड़ा रखते हुए आपको इसे इस तरीके से कट कर देना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसे फोल्ड कर लेंगे एक तरफ से। तो ये हमारा नेक भी तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने बैक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखिएगा आपको इस तरीके से सेंटर मार्क कर लेना है, छोटा सा एक ऊपर की तरफ कट लगा लें और इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है आपको क्रीज बनाने के बाद। अब हमें अपना बैक पार्ट लेना है, इस लाइन को भी आपको सीधा कर लेना है और दोनों सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए आपको यहाँ पर पिन लगा लेनी है या फिर आप एक रफ़ी स्टिच लगा कर इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए दोनों मार्किंग हमारी ऊपर और नीचे की मिलनी चाहिए और बिल्कुल सेंटर से इसे हमने पिन लगा दी है। अब हमें नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। बिल्कुल हमारे जो पेपर पेस्टिंग है उससे चिपकाते हुए सिलाई आप लगाइएगा फिनिशिंग के साथ। पिन निकालने के बाद हम एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा यहाँ पर रखेंगे बाकी सारा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे से कट आपको अच्छे से लगा लेने हैं। ये कट लगाने से हमारा जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। ये देखिए पूरे ही पैटर्न पर मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ करते हुए लगानी है। ये सिलाई मैंने पट्टी के ऊपर लगाई है, मेन फैब्रिक पर नहीं लगाई है। इससे भी हमारा जो गला है वो बिल्कुल अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कॉर्नर की एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने लगा ली है और अब इसके बाद हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। तो डिज़ाइन बनाने से पहले ही आप यहाँ पर प्लेट्स डाल लें क्योंकि एक तरफ हमारी डिज़ाइन आ जाएगी। तो प्लेट्स की जो लेंथ रखी है मैंने वो 4 इंच ली है। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके हमें प्लेट्स लगानी होती है और ये पट्टी ली है मैंने जिसकी विड्थ है 2 इंच और इसे हम एक फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी की हमें बनानी है फ्रिल, एक तरफ हम फ्रिल लगाएंगे और एक तरफ जो बॉर्डर हमने कट किया था उससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधी सीधी सिलाई मैंने लगा ली है और इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स हमें यहाँ पर डाल लेनी है पूरी ही पट्टी पर। तो आपके साड़ी में या ब्लाउज़ में जो भी कॉन्ट्रास्ट कलर होता है उसके कलर कॉम्बिनेशन में आप फैब्रिक लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप ये डिज़ाइन सेम फैब्रिक की भी बना सकते हैं। ये देखिए पूरी ही पट्टी पर मैंने फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है और ये फ्रिल हमें एक ही तरफ लगानी है तो उतनी ही बड़ी हमने यहाँ पर ये पट्टी ली थी। पट्टी आप थोड़ी बढ़ा कर लीजिएगा क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद ये बहुत ही कम रह जाती है, तो ये पूरे ही नेक पर कवर हो जानी चाहिए, इतनी फ्रिल आपको तैयार करनी है। तो बिल्कुल नेक से चिपकाते हुए ये फ्रिल आपको अटैच करनी है इस तरीके से और ये फ्रिल का जो मार्जिन है उसे कवर करने के लिए इसके ऊपर आपको लेस लगानी होगी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप तिरछी पट्टी ले सकते हैं सेम फैब्रिक की और उसे डोरी जैसा पलट कर आप सीधा कर सकते हैं, आधा इंच का सिलाई लगाकर और इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये लेस लगा रहे हैं, तो इस तरीके से मार्जिन को पूरा कवर करते हुए हमें लेस लगानी है। लेस मैंने लगा ली है, अब हम दूसरी तरफ की डिज़ाइन तैयार करेंगे।
दूसरी तरफ की डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमें एक पेपर पेस्टिंग का पीस चाहिए होगा जो हम कट करेंगे हमारे बिल्कुल ब्लाउज़ की लेंथ के बराबर नीचे तक। और इसकी पेपर पेस्टिंग की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो मैंने 2.5 इंच 2.5 इंच रखी है। और जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट था उसके ऊपर हमें इस तरीके से इसे रख कर सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिएगा। और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है, थोड़ा सा फैब्रिक आपको फोल्ड करने के लिए रहने देना है, बाकी सारा ही कपड़ा आप कट करके यहाँ पर निकाल दें। और दोनों तरफ से आप इसे इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगाकर फोल्ड कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये, बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आता है इस डिज़ाइन का। अब हम मैंने यहाँ पर डोरी ली है, जैसे हम ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से डोरी बनाई हुई है, जिसकी मैंने फ्रिल बनाई थी उसी कपड़े की, और उसके हमें यहाँ पर लूप बनाकर लगा लेने हैं। तो ऊपर से आधा इंच का गेप छोड़ते हुए पट्टी के ऊपर और नीचे से एक एक इंच का गेप देते हुए आपको ये लूप लगाने हैं। गेप आप एक इंच का ही रखिएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना है और इससे कम भी नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर गेप रहेगा। ये डोरी जब हम इसमें डालेंगे तो लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो 1-1 इंच का गेप देते हुए सारे ही लूप आपको इसके अंदर अटैच कर लेने हैं इस तरीके से, ये देखिए। और साइड से आप लूप को कट कर लीजिएगा, सारे ही तरफ से लूप एक जैसे ही दिखने चाहिए, आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमने यहाँ पर लूप लगा लिए हैं सेम इसी तरीके से। और ये मैंने थोड़ी लेंथ में ज़्यादा आपको डोरी लेनी है क्योंकि इसके अंदर हम लगाएंगे, तो 2 से 2.5 मीटर आप लेंथ में डोरी लीजिएगा। और ये देखिए लूप के अंदर आपको जिगजैग जैसा बनाते हुए इसे अटैच करना है। तो आप यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। ये जो डोरी मैंने ली है वो रेडीमेड वाली ली है, अगर आप चाहें तो हाथ से बनाकर भी डोरी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जिगजैग बनाते हुए डोरी को अटैच कर लेना है पूरा नीचे की तरफ, मैंने यहाँ पर कर लिया है और नीचे की तरफ से मैंने इसे पैक कर दिया है सिलाई लगाकर ताकि ये निकले ना। और यहाँ पर देखिए हमने ये डोरी ली है, यही वाली डोरी है ये, और इसके यहाँ पर हम ट्रायंगल में फैब्रिक लटकन बनाकर नीचे की तरफ लगाएंगे। आप चाहें तो रेडीमेड लटकन भी लगा सकते हैं और इससे इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक पीस मैंने बॉर्डर का ले लिया है और एक मेन फैब्रिक का ले लिया है, तो दोनों का लुक यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ट्रायंगल में बना लेने हैं दोनों ही लटकन को। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बो का लुक देते हुए आप इस तरीके से इसे अटैच कर लें। पहले हमने इसे सिलाई लगा दी है, फिर हम इसे ब्लाउज पैटर्न के ऊपर रखकर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है ब्लाउज़ पर लगाने के लिए। उससे पहले हम इस पर लेस लगा देंगे या फिर आप अटैच करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ही तरफ लेस लगा देंगे, ये देखिए दोनों ही तरफ मैंने लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब ये पैटर्न पूरा रेडी हो गया है ब्लाउज़ पर अटैच करने के लिए। साइड से कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागे निकल रहे हैं तो आप इसे कट कर लें लगाने से पहले। और ये अब हम लेंगे अपना ब्लाउज़ और उसके ऊपर इसे अटैच करेंगे। तो अच्छे से आप यहाँ पर इसे रख लें या फिर एक तरफ से पिन भी लगा सकते हैं आप। और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा कर आप नेक को इस पैटर्न को नेक के ऊपर अटैच कर लें, ये देखिए बिल्कुल बराबर से हमने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। कमर पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ाई में ली थी, उसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से नीचे जो लटकन लगाया है हमने उसे ऊपर की तरफ करते हुए कमर पट्टी लगा लें। आप एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लें और अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है आपको। तो ये डिज़ाइन जो है हमारा वो बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।